एक और विषय में शामिल कर लेती हूँ। ना ना, नहीं। मुझे कुछ पुरानी तस्वीरें याद आ रही थी कि आप उनको अनुलोम विलोम करवा रहे थे। एक बार फिर से सभी को, कोई नेता हो, कोई राजनेता हो, कोई एंकर हो, कोई अभिनेता हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? योग की आवश्यकता तो सबको है, अच्छी सेहत की आवश्यकता तो सबको है। योग तो करना ही। बिल्कुल स्वामी जी, कई बार कोई चीज फायदा देती है तो कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है। बारिश की बात कर लेती हूँ, इसमें कोई शक नहीं, इससे हवा साफ हुई है, लेकिन हवा में नमी बढ़ने की वजह से एलर्जीज की परेशानी बढ़ गई है। खांसी हो, जुकाम हो, इसके मामले तो बढ़ ही रहे हैं, आप भी अपने आसपास लोगों से सुनते ही होंगे। निमोनिया के केसेस भी बढ़ गए हैं। तो योग करते करते स्वामी जी समझाएं कि सावधानी क्या क्या बरतने की जरूरत है, खासतौर पर जो बारिश का मौसम होता है, जो पहले से ही एलर्जिक है, एस्थमेटिक है, निमोनिया अगर हो जाए तो फिर क्या करना तो, है? अब देखो, एक नैसर्गिक जीवन पद्धति के बारे में बता रहे हैं। जैसे हमारी देखो गाय, ये नैसर्गिक, हम इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते, तो ये नैसर्गिक खाना खाती हैं, इसलिए इनको सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ नहीं होता। तो प्रकृति के संग जीव। तो अब जिनको अस्थमा, उनको क्या खाना पीना है? उनको एक तो चना खाना है, दूसरा खजूर खाना है। ये चना खजूर हमने इसलिए रखा आज, और चने का ही, इसका ही भुने हुए चने का आटा बनाओ, सामान्य आटे से भुने हुए चने का आटा बनाओ, थोड़ा सा उसमें जो मिला दो, थोड़ा सा कोई भी और अनाज हल्का, वैसे अकेला अकेले चने के आटे की रोटी, और साहब च्यवनप्राश के साथ खाओ, यही डाइट रखो, और कुछ खाना ही नहीं, दूसरी चीज़ें थोड़ी देर के लिए। हाँ, और दूध, अकेला दूध कफ करता है, ये हमारी मीनाक्षी जी भी दूध की पियक्कड़ है। इसको बीच में कफ हो गया तो भी जो है जम करके दूध पी रही, फिर मैं उसे बोले बाबा जी मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही। मैंने कहा बेटा क्या ले रही हो? बोले दूध पी रही हूँ जम करके। मैंने कहा दूध में हल्दी डाल के लो। तो दूध में हल्दी डाल के लिया तो फिर एकदम ठीक हो गई। तो अकेला दूध भी नहीं पीना अस्थमा वालों को, कफ कोल्ड वालों को। दूध बहुत अच्छा है, दूध अमृत है, और गाय का दूध तो विशेष रूप से। लेकिन ये हमने पूरा NCR में, पूरा राजस्थान और महाराष्ट्र, काफ़ी इलाकों में उपलब्ध करवा दिया। अब कहाँ कहाँ उपलब्ध कराएं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, और ये जो है खजूर कल्प इसको बोलते हैं, खजूर, और ये चना, और चने की रोटी के साथ च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, गुड़ वाला च्यवनप्राश, या अलग अलग प्रकार का च्यवनप्राश भी, ट्रेडिशनल च्यवनप्राश सब हमने दिया है। और बालप्राश तो इतना स्वादिष्ट, और बच्चों की इम्यूनिटी ऐसे सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह, भगत सिंह की तरह, जोरावर फतेह सिंह की तरह, मजबूत बच्चे बनेंगे, वीर बालक बनेंगे। नहीं तो आजकल के बालक तो ऐसे चुलबुले, थुलथुले, पिलपिले, ऐसे जैसे वो बरसात में पानी में बुलबुले से फूटते, फूक मारो और उड़ जाते हैं, ऐसे नहीं होना। तो मजबूत बनना है, फौलाद ही बनना है, रफ टफ ऐसे बनना है। बच्चों का दौड़ लगाओ, तपस्या करवाओ। ये गोमुखासन बड़ा अच्छा है कप कोल्ड के लिए। तो फिर जिनको ये निमोनिया, डबल निमोनिया, ये तो श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, ब्रोनकोम तो बताए मैंने, एक और उपाय बताता हूँ। जिनको एक एक श्वास गिन गिन के आ रहा, ऑक्सीजन लेवल 60 तक चला जाता, 50 तक चला जाता, मरणासन्न हो जाते, एक महीने में 3 से 5 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती अभ्रक भस्म, 5 से 10 ग्राम, और उसमें थोड़ी मोती पिष्टी मिला करके इसकी 30 पुड़िया बना दो, और सुबह खाली पेट खिला दो, फेफड़े ऐसे टनाटन हो जाएंगे, घोड़े की तरह दौड़ेंगे ऐसे। हाँ, चना ये हमने कहाँ से लिया? घोड़े से लिया। चना खा करके घोड़ा कैसे दौड़ता है? इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है, इसका ये निष्कर्ष। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये हम बताते रहते हैं। और मैंने कहा अनार और पपीता अधिकतम ये खा सकते हैं, अनार और पपीता, बाकी सब चीज़ें बंद करा देते हैं। जो एक्यूट ना हो तो अनानास भी खिला देते हैं, ये कफ को फाड़ देता है, पहले जमा हुआ कफ निकाल देता है और आगे जमने नहीं देता। नस्य भी करवाते जो चल रहा है इधर, ये नस्य लंग बस्ती, ओहो हो, बड़ी ज़बरदस्त है। और फिर ये भी क्या चल रहा है, अनुलोम विलोम, जो हमारे गोपाल जी लगे हुए हैं, आप भी कर लो भाई साहब। हाँ करो। और ये हमारी बेटिया भी, क्या नाम बाबू? प्रियंका वर्णवाल, लगी रहो। हाँ, अब तेरा ये धूम नस्य अब कम हो गया है, तो इसको इसमें थोड़ा डालो, हल्दी डालो,
थोड़ा सा ये डालो, काकड़ा सिंगी डालो, कपूर डालो, और इसका धूमनस्य, ये भी धूम चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा भी कराते हैं। वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि, निसंतानों के लिए संततिष्टि, मस्तिष्क रोगों के लिए मेधाष्टि, शुगर में मधुष्टि, चर्म रोगों में चर्मेष्टि, और फिर उसके यज्ञ के भस्म का पानी पिला देते हैं, सारी बॉडी एसिडिक से अल्कलाइन हो जाती है जीवन। तो गोमुख आसन बड़ा अच्छा था। फिर बैठ करके लेट करके ऐसे ये अभ्यास थोड़ा थोड़ा सब करते रहे। स्वामी जी आपने गोमुख आसन के फायदे बताए, मोटे रोगों को भी बहुत ज्यादा अस्थमा होता है।